नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली की। रायबरेली वो सीट है जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव की मोदी लहर के दौरान भी कांग्रेस पार्टी के खाते से कहीं नहीं गई। ऐसे में 24 का चुनाव नजदीक आ गया है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बन रहा है। पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम यूपी में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है और इस बीच मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का और सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच तमाम ये खबरें आ रही हैं कि रायबरेली सीट को लेकर आखिरकार कांग्रेस पार्टी का क्या यहाँ पर इंटेंट रहेगा। पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली हमारी घरेलू सीटें हैं। पार्टी की चुनाव समिति की बैठकें हो रही हैं और रायबरेली अमेठी सीट को लेकर के गहन चिंतन मंथन चल रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रायबरेली सीट से एक तरफ प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की यहां पर तमाम संभावनाएं बताई जा रही हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने भी ये कहा है कि प्रियंका गांधी यदि चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जो कि सीपीपी की चेयरपर्सन है उनकी विरासत को संभालती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ पार्टी पुरजोर तरीके से चुनाव में अपना दम दिखाने वाली है। इसके साथ साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को यहां पर एक्टिव देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा ने खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अमेठी सीट से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। यदि कांग्रेस पार्टी के समीकरण में ऐसा कुछ संभव हो पाता है तो मुझे मौका मिलना चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूं। यानी रायबरेली सीट को लेकर के लगातार ये चर्चाएं बन रही है। सोनिया गांधी लगातार वहां से 3 बार सांसद बनी और इसके बाद अब कोशिशें ये है कि प्रियंका गांधी को चुनावी रणनीति में डेब्यू करवाया जाए। ऐसे में सियासत में डेब्यू करने जा रही प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में तो धुआंधार तरीके से सरकार के खिलाफ जो है तमाम मुद्दों पर आवाज उठा रही है। लेकिन जिस तरीके से पूर्णतया यहां पर तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर चुकी है ऐसे में आगामी 2 से 3 दिनों में इस चीज की यहां पर पूर्णतया कहीं ना कहीं ऐलान हो सकता है कि प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी रायबरेली सीट को लेकर माहौल को तैयार करने में जुटी है और ऐसे में प्रियंका गांधी यदि चुनावी मैदान में उतरती है तो न सिर्फ रायबरेली बल्कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।